आज़ादी को 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी भारत को आज तक कोई विमेन चीफ जस्टिस क्यों नहीं मिली? जब 9 out of 9 बेंच ऑफ जजेस सिर्फ मेन की हो सकती हैं, तो 9 out of 9 सिर्फ विमेन की क्यों नहीं? क्या ये जेंडर इनइक्वालिटी नहीं? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही इक्वालिटी मांग ली इसने तो, लेकिन इक्वालिटी कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। या तो वो अपने फुल फ्लेज्ड फॉर्म में मिलती है, या तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। बहरहाल, हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक, और आज हम उन 3 विमेन जजेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज ओथ ली है। इनमें सबसे पहले बात होगी जस्टिस हीमा कोहली की। जस्टिस हीमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। इसके बाद साल 2000 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया। विमेन राइट्स की सेफ गार्डिंग के लिए जस्टिस हीमा कोहली को जाना जाता है। कोविड-19 के दौरान जब कई स्टेट्स माइग्रेशन पर रोक लगा रहे थे, तब जस्टिस कोहली ने सामने आकर कहा था कि ये क्लियरली ह्यूमन एज वेल एज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का डायरेक्ट वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में वो 2 सितंबर 2004 तक एज अ जज अपॉइंटेड रहेंगी। नेक्स्ट हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। जस्टिस त्रिवेदी पहली विमेन जज हैं गुजरात हाई कोर्ट से, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। कोविड-19 के दौरान जस्टिस बेला ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था गुजरात गवर्नमेंट की मैल फंक्शनिंग को। लास्टली हम बात करते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना की। जस्टिस बीवी नागरत्ना कर्नाटका हाई कोर्ट में जज रह चुकी हैं। कर्नाटका कोर्ट रूम में अपने फेयरवेल के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने अर्ज किया सारी लेडीज़ से कि वो खुद में आत्मविश्वास भरें और आगे बढ़ें। कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स जस्टिस नागरत्ना के हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेट्रोपोलिस कोर्ट रूम बिल्डिंग कमेटी के चेयरपर्सन के दौरान उन्होंने महिलाओं का स्पेशल ध्यान रखते हुए सैनिटरी पैड मर्केंटाइजिंग मशीन कोर्ट रूम में ही सेटअप कराई। कोविड-19 के दौरान जब सिविल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स दबते हुए दिख रहे थे, तब कर्नाटका हाई कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस नागरत्ना भी शामिल थी, इस बात का खास ख्याल रखा कि माइग्रेंट्स को प्रॉपर मील और ट्रांसपोर्ट अवेल कराई जाए। मिड डे मील को भी कंटिन्यू रखने का भी ऑर्डर कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया, जब स्टेट अथॉरिटीज़ ने कोविड-19 के चलते मिड डे मील को विदड्रॉ करने का प्रपोजल रखा था। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन हर सफल महिला के पीछे एक परिवार होता है। जस्टिस नागरत्ना साल 2027 में भारत की पहली चीफ जस्टिस बन सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतना लेट हुआ भारत को उसकी पहली चीफ जस्टिस मिलने में? वो भी कोई श्योर नहीं है। तो हमने ये कुछ रीजंस फाइंड आउट किए हैं कि क्यों महिला जजेस की नंबर एज़ कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स कम होती है। पहला है सोशल बायस। लोगों को लगता है कि विमेन का इमोशनल बिहेवियर उसके डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी को डोमिनेट करता है, और इस कारण वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मेल जजेस। दूसरा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। महिला जजेस को अक्सर सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए। थर्ड है लैक ऑफ मेंटरिंग एंड एनकरेजमेंट। क्योंकि ये सोसाइटी पेट्रियार्कल है, इसलिए महिला जजेस को काफ़ी बड़ी उम्र में अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट्स में, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें कभी प्रमोशन मिल ही नहीं पाता। तो ये कुछ रीजंस थे कि क्यों महिला जजेस की संख्या कम होती है एज़ कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं? आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।